सो गाइस, आज मैं काफी खुश हूँ, काफी हैप्पी हूँ, बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या है कि आज इस वीडियो में एक प्रॉब्लम फिर सॉल्व होने वाली है। गाइस, मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो के नीचे में व्यूवर्स इतने क्वेश्चन पूछ रहे थे, किसके बारे में? तो ओनली वन, इंस्टाग्राम एनिमेशन के बारे में। गाइस, वो पूछ रहे थे कि एनिमेशन को कैसे क्रिएट करते हैं, डाउनलोड कहाँ से करते हैं और इसे किस ऐप से हम लोग इसे एडिट करते हैं, एडिट करने की पूरी प्रक्रिया बताइए। इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे इंस्टाग्राम एनिमेशन के रिगार्डिंग कि मुझे अब लगा कि नहीं, इस पर एक वीडियो बनाना बनता ही है। और मेरे जितने भी व्यूअर्स होंगे, आप जितने भी वीडियो को देख रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, उन सभी को इस वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स इंस्टाग्राम के एनिमेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा और आप इंस्टाग्राम एनिमेशन को बिल्कुल ही आसान तरीके से बना सकते हैं। गाइज, होता क्या कि अगर आप जितने भी अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को देखते रहते हैं और वहाँ पे होता क्या कि जैसे ही आप उसे देखते हैं तो गाइज वे बोलते हैं क्या कि हमें आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। और जैसे ही वे बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं तो फ्रेंड्स उसके बगल में इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो एनिमेशन के साथ दिखाई देता है। तो गाइज, ये होता कैसे है, इसे हम क्रिएट करते कैसे हैं, उन सभी रिगार्डिंग क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ। गाइस, ये वीडियो काफी नॉलेजबल होगी उन सभी यूट्यूबर्स के लिए, उन सभी मेरे भाइयों के लिए जो वीडियो क्रिएट करते हैं और अपने वीडियो में अभी तक जो है इंस्टाग्राम एनिमेशन को नहीं लगाते हैं। गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंस्टाग्राम एनिमेशन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गाइस आपको अगर पता नहीं हो फ्रेंड्स, आपके इंस्टाग्राम पे अगर आईडी पे जितने भी फॉलोअर्स होंगे आप वहां से भी अर्न कर सकते हो और अपने जो है एक एक्टिविटी को वहां पे अच्छे तरीके से अपने एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। तो गाइस, चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि इंस्टाग्राम एनिमेशन को हम अपने काइन मास्टर के ऐप के सहारे इस मोबाइल से कैसे क्रिएट करें। मैं जो अभी शूट कर रहा हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो को, वो भी मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ। मेरे पास ना तो कोई कैमरा है बहुत अच्छा सा, ना ही बस ओनली वन ये एक मैक है और एक चार्जर है और ये एक अभी मैक है और जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ ये मोबाइल है। ओके, अभी भी मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है तो मैं फ्रेंड्स इसमें अभी चार्ज में लगा के चार्ज कर रहा हूँ। ओके, तो मैं लगा देता हूँ इसे। तो गाइस, चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को एनिमेशन को क्रिएट करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पे। और यहाँ पे आने के बाद आपको एक न्यू जो है प्रोजेक्ट क्लिक करना है। ओके, यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट क्लिक कर लेना है। जैसे ही गाइस आप इसे क्लिक करेंगे आपको 16:9 का जो है ऑप्शन चुन के आगे बढ़ जाना है। गाइस, फर्स्ट काम हम लोगों को करना क्या है, मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसका पूरा फंडा बता देता हूँ, आपको जैसा मन वैसा आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आपको मीडिया पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको बैकग्राउंड पे ऑप्शन कर देना है क्लिक। ओके, और इसे हरा कलर का आपको चूज कर लेना है और जैसे ही क्लिक कर लेंगे आपको इसका रेशियो थोड़ा बढ़ा देना है, आपको जितना लेंथ का चाहिए, जैसे कि मुझे 10 सेकंड का चाहिए तो मैं इसे 10 सेकंड पे लेके जाके छोड़ दूंगा। ओके, देखिए हम लोग का 10 सेकंड पूरा हो चुका है। सो हम लोगों ने इसे 10 सेकंड का क्लिक कर लिया है, फर्स्ट काम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड काम में क्या करना है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, आपको वहाँ से जाके कुछ इमेज डाउनलोड कर लेनी है, किसकी, तो इंस्टाग्राम की। ओके, आपको वहाँ पे जाके जैसे कि मैंने कर लिया है तो पहले से, तो मैं इसे एक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इसे आपको देखिए यहाँ से क्रॉप करके और आपको चले आना है सेप पे और आपको जिस आकार का चाहिए ये उसे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि मुझे इस टाइप का अच्छा लगता है तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, और देन इसके बाद इसे क्लिक कर दिया, उसके बाद इसका जो है साइज़ जो है वह सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे इस साइज़ का चाहिए छोटा थोड़ा, तो मैंने इसे इतना बड़ा ठीक है। ओके, ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद से देन इस पे इसका जो है इन एनिमेशन पे क्लिक करके आपको, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसको इन एनिमेशन पे क्लिक करना है कि शुरुआती में आपको ये कैसा चाहिए। ओके, तो इन एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से हमें चाहिए थोड़ा पॉपअप टाइप का, तो देख लेते हैं इस टाइप का, नहीं अच्छा देख लेते हैं जो कैसा अच्छा लगेगा। सो थोड़ा आगे आते हैं और हाँ ये ठीक है क्या, इस पर क्लिक कर देते हैं। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे चले आना है और जैसे ही इस पर आ जाएंगे थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा करके फिर देना, उसके बाद क्या करना है आपको लेयर पे क्लिक करना है। ओके, देखिए आपको 9 सेकंड आगे बढ़ जाना है जिसकी मैंने बढ़ाया, उसके बाद फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से आपको मीडिया पे फिर से क्लिक करना है। जैसे ही आप मीडिया पे क्लिक कर देंगे गाइस तो आपको बैकग्राउंड पे फिर से क्लिक कर देना है। जैसे आप बैकग्राउंड पे क्लिक कर देते हैं आपको व्हाइट कलर चॉइस कर लेना है यहाँ से। जैसे ही व्हाइट कलर को आप चूज़ कर लेंगे गाइस, आपको देन इसके बाद से इसे इसको साइज भी सिलेक्ट करना होता है। सो आपको क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे गाइस तो आपको यहाँ पे आपको साइज का ऑप्शन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप साइज वही जो इसका साइज इंस्टाग्राम का साइज मैंने चूज़ किया था, ठीक है, उसी साइज का इसका भी चूज़ कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। देन इसके बाद से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि इसका जो है साइज इससे मिलना चाहिए, मैच करना चाहिए, और क्लिक कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं कि इसका ये कैसा लग रहा है देखने में।
थोड़ा सा और होना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा और इसे करना है। ओके, थोड़ा सा इसे और हम लोग क्रॉप कर लेते हैं। ओके, देन इसके बाद इसे क्लिक कर दिया, अब ठीक लग रहा है थोड़ा दिखने में। ओके, इसे साइज थोड़ा इतना बड़ा कर लेते हैं। ओके, जिसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा ना, बड़ा रहेगा तो बढ़िया लगेगा दिखने में। देन इस पर क्लिक कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको इसे जैसा चाहिए आप वैसा क्लिक कर लेना। ओके, ठीक है ना, मैं थोड़ा आपको बड़ा क्लिक बना के दिखा देता हूँ, आप जैसा चाहेंगे वैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपके लिए इसमें कोई बात नहीं। ठीक है गाइस, देखिए इसके बाद से हमको इस पर क्लिक करके थोड़ा सा यहाँ पर आ जाना है, और इसके बाद से आपको देन यहाँ पर क्लिक करना है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला ऑप्शन, थ्री डॉट पर क्लिक करके गाइस आपको जो है इसे बैक कर देना है। तो यहाँ पे सेंड टू बैक का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप ये बैक चला गया। ओके, देन इसके बाद क्लिक कर देना है, उसके बाद से हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से वाइट वाले पे, और इसे इन एनिमेशन कैसा चाहिए वो देख लेना है हम लोग को। ठीक है, जैसे कि हमें इस टाइप का चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। सबसे नीचे में आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है ना, इंटर स्लाइड राइट का, आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद हम लोग का समझिए तो इधर का अभी शुरुआती काम जो है वो हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग को लास्ट में आते हैं, थोड़ा सा इसका साइज मैंने बढ़ा लेना है 10 सेकेंड 8 सेकेंड तक का। ठीक है, और ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, उसके बाद इसका जो है आउट एनिमेशन सेलेक्ट करना होगा, वो भी आउट एनिमेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि इसका जो है वो कैसा होना चाहिए। इस टाइप का नो देख लेते हैं, जैसा था हाँ इस टाइप का जो मैंने उनको चूज़ किया था ये ठीक होगा। ठीक है, उसके बाद से देन आपको फिर से आपने जो वाइट कलर का यहाँ पे चूज़ किया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करके थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा देना है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ा के उसके बाद से फिर इसको भी आउट एनिमेशन पे क्लिक करना है, आउट एनिमेशन पे क्लिक करना है। ठीक है ना, अच्छे से समझ जाइएगा गाइस, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। और ये सर हम समझ जाने के बाद आप इतना अच्छा अच्छा इंट्रो बना पाएंगे, जिसका थोड़ा सा बस मेहनत करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा अगर हम मेहनत कर लेते हैं तो गाइस आपको बहुत अच्छा अच्छा इंट्रो बनाना आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ के थोड़ा सा, अब हम लोग को इसके आउट एनिमेशन पे क्लिक करना है, और देन सबसे नीचे आके लेफ्ट पे क्लिक कर देना। ओके, जिससे हम लोगों ने शुरुआती में किया, अब देखते हैं कैसा आता है। ठीक है, फिर भी अभी चल रहा है, चल सकता है ये, अभी थोड़ा सा आप चाहेंगे तो इसको और बढ़ा सकते हैं। ओके, अब मेरा जो है ये काम हो चुका है, अब देखते हैं इसको शुरुआती से चला करके कैसा लगता है। अब ये काम हो चुका है गाइस, देन गाइस अभी इसे चला के देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कैसा लगता है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा टाइप का आया, और अब इस पर लिखना बाकी है। ओके, तो इस पर अभी जो है वह लिखना भी बाकी है, तो वो देखना है। ठीक है, तब पर भी ठीक है, और इस पर हम लोग को क्या करना है कि राइट करना है। ओके, लिखना भी है, सो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। ओके, यहाँ से, और इस पर आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप लेयर पे क्लिक करेंगे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो गाइस यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे कि मेरा है DEEPAKJHA और है 2144। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं ऐसे दे देता हूँ 21, और ठीक है इस टाइप से। तो अब इसे सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, पहले हम लोग क्या करते हैं तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करना है, और आपको इससे पहले तो ऑफ़ कर देना है, मैं आपको जो दिखा देता हूँ। ठीक है, शैडो को ऑफ़ कर देना है आपको, जैसे यहाँ शैडो को ऑफ़ कर देंगे गाइस, और यहाँ पे आपको इसका कलर जो है वो ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। कलर ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है, और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देना है। जो मैं बहुत, अब काम ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। और देन इसके बाद आपको फिर से इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद गाइस आपको रोड ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। देखिए जिस तरह से आपको ओल्ड लगे देखने में, इस टाइप का। ओके, और देन इसके बाद थोड़ा सा जो मैं आपको अच्छा बना बता देता हूँ, जिसके आपको कोई दिक्कत, थोड़ा समय लगेगा इसका इन एनिमेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, तो इस टाइप का होना चाहिए ना, इस टाइप का हम लोग को था ये।
नहीं, स्टेप कहाँ, ये स्टेप कहाँ होना चाहिए और एनिमेशन कैसा होना चाहिए। सो बहुत समय लग जाएगा लगता है, और एनिमेशन हम लोग का ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दोनों हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, अब चला के देख लेते हैं कैसा लगता है। सो गाइस, अब लगता है कि फाइनली हम लोग का काम हो चुका है, और अब हमें कमेंट में बताना कि फ्रेंड्स ये कैसा लगा आपको इस एनिमेशन। आप इस एनिमेशन को एक्सपोर्ट करके अब अपने वीडियो में सेलेक्ट करके लगा सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।